नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। 11 दिन के भीतर पठानकोट पर आतंकी हमले का दोषी और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर हिरासत में ले लिया गया है। आज तक को मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद अजहर से पठानकोट हमले के बारे में पूछताछ की है। वैसे हिरासत में मसूद के साथ उसका भाई और साला भी लिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान मसूद को भारत के हवाले सौंपे। पकड़ा गया पठानकोट हमले का गुनहगार, पकड़ा गया कांधार विमान अपहरण की साजिश रचने वाला। कस्टडी में आया संसद पर आतंकी हमला करने वाला। प्रोटेक्टिव कस्टडी ही सही, अजहर मसूद को हिरासत में लिया है। 16 साल से पाकिस्तान में खुली हवा में सांस लेने वाला मसूद अजहर सोच रहा था कि इस बार भी वो चैन की बंसी बजाएगा। उसको लगता था कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद को धर दबोचा। भारत की मेहनत रंग लाई। आप सब लोगों को हमारे सरकार पे विश्वास और भरोसा होना चाहिए। मीडिया में आप लोग आलोचना करते रहते हैं, पर हम लोग काम में लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के हित में। तो आप बातचीत चलेगी पाकिस्तान से? वो हम लोग को देखना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको तय करेंगे। मैं सकारात्मक इस कदम को कहता हूँ और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से इल्तिजा करूँगा कि ये मौलाना मजहर रसूद वही है जो भगौड़ा है हिंदुस्तान से और जिसको अफगानिस्तान कांधार में रिहा किया गया था, इसको तत्काल अगर वहाँ डिटेन किया गया है, अगला कदम होना चाहिए कि इसको वापस हिंदुस्तान मंगाया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर पूरा दबाव बढ़ा दिया था कि अगर पाकिस्तान खैर चाहता है तो वो हमले की साजिश रचने वालों पर कार्रवाई करे। इसी का नतीजा है कि पठानकोट हमले को लेकर मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ अजहर, साले अशफाक अजहर समेत 13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक मसूद को किसी अनजान सी जगह पर पूछताछ के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां ले गई हैं। पाकिस्तान में किसी को भी कुछ समय के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का प्रावधान है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान इतने पर रुकेगा या और सख्त कार्रवाई करेगा। आतंकवादी मसूद अजहर की गिरफ्तारी का माहौल तो तभी बनने लगा था जब बुधवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सेना प्रमुख समेत दूसरे बड़े अधिकारियों को हाई प्रोफाइल बैठक के लिए बुलाया। लेकिन असली कार्रवाई तो तब होगी जब मसूद अजहर की गर्दन भारत के हाथों में होगी। आज तक ब्यूरो। 2 जनवरी की रात पठानकोट में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही था। आज तक की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को पक्के सबूत दे दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर आतंकियों को हमले का निर्देश दे रहा था। यहां तक कि मसूद अजहर का वॉइस सैंपल भी है। हिंदुस्तान के लिए आतंक का ये वो जहर है जिसने 16 साल पहले सैकड़ों मासूम भारतीयों की जिंदगी को बारूद के ढेर पर बिठाकर अपनी रिहाई का सौदा भारत सरकार से किया था। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से रिश्तों में नई उम्मीद खोली, तो इसने फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची और अपनी साजिश का निशाना बनाया पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन को। खुफिया सूत्रों के माने तो पठानकोट के एयरबेस पर 2 जनवरी को तड़के हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड है जैश मोहम्मद का यह सरगना मसूद अजहर। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक आत्मघाती हमले के फिराक में पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकवादियों को हमले की पूरी प्लानिंग समझाने वाला था जैश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर। मसूद अजहर ने आतंकवादियों को एयरबेस तक पहुंचाने का रास्ता बताया
और ताकीद की कि वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाएं। इस मास्टरमाइंड ने अपनी साजिश में अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर को भी शामिल किया। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की माने तो पठानकोट पहुंचे आतंकवादियों से मौलाना मसूद अजहर ने हमले के इन पहले बात भी की थी। मसूद अजहर ने आतंकवादियों को बताया था कि हमला कहां करना है और कैसे करना है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। अजहर मसूद ने जिस तर्ज पर संसद पर हमला किया, कुछ उसी तरह पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमला कराया, लेकिन यहां भी उसके नापाक मंसूबे नाकाम ही रहे। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे जैश ए मोहम्मद के सभी आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस दौरान 6 जवान शहीद भी हुए। अब भारत ने नकेल कसी तो पाकिस्तान ने प्रोटेक्टिव कस्टडी ही सही, अजहर मसूद को हिरासत में लिया है। आज तक ब्यूरो। 16 साल पहले जब कांधार विमान अपहरण कांड हुआ था, तब पता चला था कि ये सब मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए हुआ है। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने हिंदुस्तान में आतंकी हमले और तेज कर दिए। उसने जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बनाया, जिसने 2001 में संसद पर आतंकी हमला किया था। आतंकवादियों के खूंखार चेहरों में सबसे खतरनाक चेहरा, सर पर सफेद पगड़ी और दिल में भरे नफरत के अंगार, दाढ़ी में जितने बाल उससे ज्यादा इसकी शैतानी चाल। जिहादी आतंक का सबसे बड़ा मौलवी, नाम है मौलाना मसूद अजहर। जम्मू जेल से इसी आतंकवादी सरगना की रिहाई के लिए 1999 में आतंकियों ने कंधार कांड रचा था। एयर इंडिया के विमान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लखनऊ अमृतसर होते हुए तालिबानी राज वाले कंधार एयरपोर्ट पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। तब 178 यात्रियों की जिंदगी के सवाल के सामने पूरी सरकार सन्न रह गई। बंधक बनाए गए लोगों, परिजनों के आंसुओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा। 1999 में मौलाना मसूद अजहर जम्मू की कोट भलवाल जेल से रिहा किया गया। खुद विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। कुछ लोगों ने उस वक्त भी, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये कहा था कि भाई ये ऐसा आप एक बार करोगे तो बार बार आपके साथ करें। अगर आप मिसाल इसमें लेना चाहो तो इसराइल के लिए हो, वो टेररिस्ट से कभी नेगोशिएट करते ही नहीं। बताया जाता है कि कंधार कांड में मसूद अजहर की रिहाई के लिए उस वक्त सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उस वक्त इस रिहाई के फैसले को सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया, लेकिन बात सच भी साबित हुई। रिहाई के बाद इसने आतंक की आग में जो जहर उगलना शुरू किया, कराची में इसने भारत के हर शहर में आतंकी हमले कराने का खुला ऐलान किया। मसूद अजहर के जहरीले भाषणों का नतीजा साल 2001 में भारत की संसद पर हमले के तौर पर सामने आया। 2002 में मसूद अजहर ने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन की स्थापना की। हालांकि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने इसे प्रतिबंधित कर अजहर मसूद को नजरबंद कर दिया। हालांकि बाद में लाहौर हाईकोर्ट के आदेश से वो फिर से रिहा हो गया। जैश पर प्रतिबंध लगने के बाद अजहर मसूद ने अल रहमत ट्रस्ट की बुनियाद डाली और छदम नाम से जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग और आतंकियों की भर्ती का काम करता रहा। भटके मौलानाओं की संगत में मसूद अजहर की परवरिश पाकिस्तान के बहावलपुर और कराची के मदरसों में हुई, जिनके उल जुलूल तकरीरें सुनकर मसूद अजहर भी आतंक का मौलाना बन गया। आतंकी संगठन हरकतुल अंसार इसके आतंकी फलसफे का शुरुआती संसार बना।
सोवियत अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मदरसों में आतंकी संगठनों के लिए युवाओं को बहकाने, फुसलाने और आग उगलते मजहबी भाषणों से लुभाने में हरकतुल अंसार का प्रचार और एचआर हेड बन गया। सोवियत लड़ाई से हरकतुल अंसार के लड़ाके खाली हुए तो 1990 में मसूद अजहर ने कश्मीर की ओर आतंकी बंदूकों का रुख मोड़ दिया। आतंकवादियों के हमले की प्लानिंग के लिए खुद श्रीनगर आने जाने लगा, जहां 1994 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1999 में कंधार कांड के जरिए रिहाई के बाद इसने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से भी रिश्ते बढ़ाए। आतंकवाद की दुनिया में मसूद अजहर अब सबसे खतरनाक नाम बन चुका है, तो हुक आज भी हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों के दिल में उठती है, काश इसे जेल में रखने की बजाय पहले ही फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया गया। पठानकोट से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान को कंधार कांड से लेकर संसद पर आतंकी हमले तक मसूद अजहर का हाथ रहा और इस साल की शुरुआत उसने पठानकोट में आतंकी हमले से की। खास बात यह है कि यह मसूद अजहर पाकिस्तान के उसी बहावलपुर का रहने वाला है जो पिछले कई दिनों से आतंकी फैक्ट्री बना हुआ है। यह आतंक का वो मौलाना है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को तबाह करने का मंसूबा रखता है। पाकिस्तान के जिस बहावलपुर को आज आतंकवाद की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उससे मसूद का पुराना नाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर नाम का यह आतंकी 10 जुलाई 1968 को पैदा हुआ। अपने 11 भाई बहनों में मसूद तीसरे नंबर का है। इसके पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। पढ़ाई लिखाई के लिए यह कराची गया, जहां हरकतुल अंसार में शामिल हुआ। सोवियत अफगान युद्ध में घायल होने के बाद यह आतंकी एक पत्रिका निकालने लगा। 1994 में वो श्रीनगर आया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो कांधार विमान अपहरण का दबाव बनाकर रिहा हो गया। अब पठानकोट हमले के साए में यह पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है, तो उम्मीद यही है कि इसके आतंक का जहर अब उतरेगा। पाकिस्तान इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। आज तक ब्यूरो विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय इन 2016 माय नेम इज गौरप्रीति एंड हियर वी गो। साहिल चुबाका मेड श्योर दैट ही वॉच्ड द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ स्टार वॉर्स एंड वॉज रेडी विद दो स्पॉइलर अलर्ट्स। सो रोहित